फ्रेंड्स, जियो लेके आया है फिर से नए प्लान्स और पहले की तरह जियो ने थोड़ा प्राइस बढ़ाए हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में जियो के नए प्लान्स के बारे में, जियो धन धनाधन दिवाली ऑफर के बारे में। और आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट जानकारी लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे फ्यूचर में आपको लेटेस्ट वीडियोज़ मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सकते हैं और साथ में इस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो चलिए दोस्तों जियो के प्लान्स के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, आप जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जियो के जो प्लान है वो 399 का अभी दिखा रहा है, लेकिन नीचे जो लाइन दी गई है उसमें लिखा है न्यू प्लान्स इफेक्टिव फ्रॉम 19 अक्टूबर, यानी आज से 19 अक्टूबर से जियो ने नए प्लान्स लॉन्च कर दिए हैं। चलिए प्लान्स के बारे में जान लेते हैं और देखते हैं कि प्लान्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि 52 रुपीज़ का एक नया प्लान आया हुआ है जो कि 7 डेज़ की वैलिडिटी के साथ आया हुआ है। इसमें आपको 1.5 GB डेटा मिलेगा, जो रोज़ का डेटा मिलेगा वो 150 MB का मिलने वाला है। 70 SMS मिलेंगे लोकल नेशनल और कॉलिंग अनलिमिटेड रहेगी और जियो ऐप्स का सब्सक्रिप्शन अनलिमिटेड रहेगा। नया प्लान्स लाया है जियो 52 रुपीज़ का। और नेक्स्ट जो प्लान है वो 98 रुपीज़ का आता है। 98 रुपीज़ और 52 रुपीज़ के दो प्लान हैं। 98 रुपीज़ का जो प्लान है वो 14 डेज़ की वैलिडिटी के साथ आएगा, जो कि फ्री वॉइस कॉल रहेगी अनलिमिटेड, डेटा जिसमें मिलेगा 2.1 GB, तो और जो डेली लिमिट है डेटा की वो 0.15 GB यानी 150 MB का डेटा रोज़ मिलेगा। 140 SMS भी मिल रहे हैं लोकल नेशनल और बाकी जियो सब्सक्रिप्शन अनलिमिटेड रहेगा। इसके बाद आता है 149 का प्लान जो कि रहेगा, जिसमें डेटा रहेगा 4.2 GB कैसे मिलेगा आपको, डेली का लिमिट है 0.15 GB, 150 MB डेली की लिमिट है। इसमें आपको डेटा, इसमें जो कॉल है वो अनलिमिटेड है लोकल STD। इसके बाद जो बड़ा प्लान है वो 399 का प्लान है। फ्रेंड्स, ये यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि जो 399 का प्लान था वो पहले आपको 84 डेज़ की वैलिडिटी के साथ 84 GB डेटा मिलता था, लेकिन इसमें कुछ कमी करी है जियो ने, जो कि 70 डेज़ की वैलिडिटी के साथ आएगा और 70 GB डेटा मिलेगा, यानी 1 GB पर डे के हिसाब से आपको डेटा मिलने वाला है इस प्लान में। और कॉलिंग रहेगी अनलिमिटेड, रोमिंग रहेगी अनलिमिटेड, साथ में जियो की एप्लीकेशन भी आप यूज़ कर पाएंगे। इसके जो नेक्स्ट प्लान है वो 459 का था। आप इसको देख सकते हैं एक तरीके से, जो 399 का प्लान था वो आप जियो ने कर दिया है 459 का। 84 डेज़ की वैलिडिटी के साथ आएगा 1 GB पर डे, और जो 1 GB के बाद जो स्पीड रहेगी वो 64 KBPS की रहेगी। इन सारे प्लान्स में 64 KBPS के हिसाब से वो लिमिट रहने वाली है 1 GB क्रॉस करने के बाद, या जो डेली लिमिट है वो क्रॉस करने के बाद। अब हम देखते हैं कि 509 में जो पहले आपको डेटा मिल रहा था वो 2 GB पर डे 56 डेज़ के लिए मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे जियो ने करीबन 7 दिन कम कर दिए हैं और 49 डेज़ की वैलिडिटी के साथ ये प्लान आपको मिलने वाला है। इसमें 2 GB डेटा मिलेगा और 98 GB 49 डेज़ में आपको डेटा मिलने वाला है। कॉल्स फ्री कॉल्स रहेंगी लोकल STD, साथ में रोमिंग भी रहने वाली है इनकमिंग आउटगोइंग बोथ साइड। वही तो, ये तो जियो के हर प्लान्स में रहती है, लेकिन इसमें जो डेज कम करे हैं क्या वो सही हैं या गलत हैं मार्केट कॉम्पिटिशन के हिसाब से, ये तो आप देखने आगे देखकर ही पता चलेगा मार्केट के हिसाब से। इस प्लान में आपको जियो ऐप्स का सब्सक्रिप्शन अनलिमिटेड मिलता है और साथ में 2 GB पर डे डेटा आप यूज़ कर पाते हैं। तो दोस्तों, जो 509 का प्लान था, क्या आप इसे अभी भी यूज़ कर पाएंगे? मुझे तो बड़ी, मतलब ऐसा लग रहा है कि जियो कुछ मार्केट के हिसाब से गलत ही कर रहा है। अभी जो आइडिया, वोडाफोन और दूसरे नेटवर्क हैं एयरटेल वगैरह, वो कुछ अच्छे प्लान लाए हैं, लेकिन फिर भी कंपटीशन में जियो बना रहता हमेशा। जो 99 का प्लान था दोस्तों, उसके बारे में जान लेते हैं। 99 के प्लान में आपको मिल रहा था 90 GB डेटा, 60 GB प्लस 30 GB, लेकिन इसमें आपको अभी मिलने वाला है सिर्फ 60 GB डेटा, 90 GB नहीं मिलेगा, 30 GB यहाँ भी कम कर दिया है जियो ने। और वैलिडिटी जो है वो 90 डेज़ की रखी गई है, बाकी सब कुछ अनलिमिटेड है, कॉल अनलिमिटेड है, नेट जो रहेगा वो 60 GB आपको मिल जाएगा, और 60 GB के बाद जो स्पीड रहेगी वो 64 KBPS के हिसाब से रहेगी। अब बात करते हैं थोड़ा बड़े प्लान की, यानी 1999 वाले प्लान की। इसमें आपको 180 GB डेटा मिल रहा है, 180 डेज़ की वैलिडिटी मिल रही है और 125 GB का डेटा मिल रहा है। और अब बात करते हैं 4999 की। ये प्लान तो शायद हम नहीं कराते हैं, ये प्लस कुछ अलग प्लान है जो कि मार्केट में उतने ज़्यादा फेमस नहीं होते हैं।
4999 का जो प्लान है उसमें आपको 360 360 दिनों की वैलिडिटी मिल रही है, 350 GB डेटा मिल रहा है और कॉलिंग अनलिमिटेड है, रोमिंग इनकमिंग आउटगोइंग अनलिमिटेड रहेगी, जियो ऐप्स का सब्सक्रिप्शन अनलिमिटेड रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके से जियो ने जियो धन धनाधन दिवाली ऑफर लॉन्च कर दिया है जो कि काफ़ी कॉस्टली लग रहा है फिलहाल, तो मार्केट के हिसाब से कॉस्टली लग रहा है। अब देखना ये होगा कि जो दूसरी कंपनीज हैं कॉम्पिटिशन में टक्कर कैसे देती हैं जियो को और क्या वो भी प्राइस बढ़ाएंगे। अभी एयरटेल आइडिया वोडाफोन में जो प्लान्स हैं वो जियो से कुछ सस्ते प्लान हैं, हालांकि उनमें 1 GB डेटा मिलता है और 1 GB बाद 1 GB के बाद डेटा स्पीड कम नहीं होती, बंद हो जाता है। जियो के पास अभी भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें जियो बेस्ट है, लेकिन मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो कॉम्पिटिशन बहुत तगड़ा है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।